हाय, मैं हूँ राकेश रॉय और आप देख रहे हैं रॉयल टेक रिव्यूज़। सो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं लेनोवो थिंकपैड का। सो सॉरी दैट कि हम लोगों ने पहले इसको अनबॉक्स कर दिया था। इस लैपटॉप को हमने अमेज़ॉन से लिया है, रिफर्बिश्ड लैपटॉप है ये। और इस लैपटॉप के साथ में हमें एक एडाप्टर मिला है और कुछ भी नहीं। और आज हम देखेंगे इस लैपटॉप में कि लैपटॉप की कंडीशन कैसी है और आप रिफर्बिश लैपटॉप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। इसके साथ में एक ओरिजिनल लेनोवो का एडाप्टर आया है, जो कि एक अच्छी बात है। नॉर्मली कुछ कुछ वेंडर जो है दूसरा अदर जो लोकल एडाप्टर है वो दे देते हैं, जो कि हीटिंग और स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम करता है। बट इसके साथ अच्छा है कि एक लेनोवो का एडाप्टर आया है। ओके, सो एक बार लैपटॉप को देख लेते हैं कि लैपटॉप की कंडीशन कैसी है। पैकिंग काफ़ी अच्छा था, जो कि मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया। ऊपर आप लोगों को लेनोवो की ब्रांडिंग और थिंकपैड की ब्रांडिंग मिल जाती है। और लैपटॉप को ओपन करके अगर मैंने देखा तो मुझे काफ़ी क्लीन लगा लैपटॉप। सामने आपको इंटेल की ब्रांडिंग मिल जाती है। ये i3 थर्ड जनरेशन लैपटॉप है। इसको अगर मैं ऑन करता हूँ तो देखते हैं कि बैटरी चार्ज है या नहीं है। ओके, सो चार्जिंग है। ये एक अनबॉक्सिंग वीडियो, और आप अगर इस पे एक डिटेल वीडियो चाहते हैं 15-20 डेज की यूज़ के बाद में, तो मैं वो भी बना दूंगा, कमेंट कीजिए आप। तो इसमें अभी विंडोज 10 इंस्टॉल्ड मिला है, प्री इंस्टॉल्ड है। मैंने थोड़ा सा क्विकली से स्टार्ट कर दिया है, तो देखते हैं, बाकी चीज़ें चेक करते हैं। एक माउस में कनेक्ट कर देता हूँ, टच पैड भी चेक करेंगे कि चल रहा है या नहीं चल रहा है, बट माउस से थोड़ा सा क्विकली हम चेक करने की कोशिश करेंगे चीज़ों को। तो एक बार हम इसमें कीबोर्ड वगैरह देखते हैं। कीबोर्ड आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है और ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल ही है। और फ्रंट में एक कैमरा है, वो भी हम चेक कर लेंगे बाद में। और ये एक लैपटॉप जो है कमर्शियल लैपटॉप है, कंडीशन काफ़ी अच्छा आया है। और अगर कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं रहता है तो नॉर्मली काफ़ी अच्छा चलता है लैपटॉप, प्रॉब्लम नहीं करता है। बैक साइड भी काफ़ी क्लीन है, कहीं कोई डैमेज नहीं है लैपटॉप में। बट काफ़ी सारे स्कैम्स होते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से परचेस कीजिएगा रिफर्बिश्ड लैपटॉप को। इस साइड आप देखिए USB पोर्ट, एक दो USB पोर्ट है, एक BG पोर्ट है, एक HDMI पोर्ट है और एक 3.5mm जैक है। फ्रंट में हमें एक HD कार्ड रीडर के लिए एक पोर्ट मिल जाता है। और इस साइड हमें एक राइटर लैन पोर्ट, आई थिंक एक USB पोर्ट और चार्जिंग स्लॉट मिल जाता है। बैक साइड में कुछ भी नहीं है, कोई पोर्ट अवेलेबल नहीं है। और लैपटॉप थोड़ा सा ये मोटा है नॉर्मल से, बिकॉज एक कमर्शियल लैपटॉप है, काफ़ी हेवी लैपटॉप है, प्रॉब्लम नहीं करेगा ये। सामने फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, अगर आप ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो हम एक बार इसको स्टार्ट करके और इसके कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं कि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, प्रोसेसर रैम कितना है। सो इसमें आप देख सकते हैं कि एक i3 प्रोसेसर का लैपटॉप है और थर्ड जनरेशन है, और 6GB रैम के साथ में मैंने लिया है इसको। और हार्ड डिस्क की बात करूँ तो 500GB इसमें हार्ड डिस्क आता है, SSD नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्लोनेस हो सकता है। आप ले तो बाद में अपग्रेड करवा लीजिए आपको अगर लगे तो। ओके, सो आप देख सकते हैं कि इसमें विंडोज़ 10 इंस्टॉल्ड है और कोई भी एप्लीकेशन नहीं है इसमें, और ना ही ये एक्टिवेटेड है। तो आप चाहे तो इसे मार्केट से, या आप अगर खुद कर सके एक्टिवेट तो एक्टिवेट कर ले इसे, और बेसिक जो भी एप्लीकेशन है वो यूज़ करके देख ले, इंस्टॉल कर ले। ओके, सो वाईफाई इसमें काम कर रहा है, ब्लूटूथ का ड्राइवर भी डला हुआ, ड्राइवर सारे इंस्टॉल्ड है, ओनली बेसिक एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल नहीं है। तो एक बार हम शट डाउन करके देखते हैं कि कितना टाइम ले रहा है। तो इसे मैं बिल्कुल ही फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगा, ये बिल्कुल नॉर्मली शट डाउन हो रहा है, तो जिससे आप स्पीड चेक कर सकते हैं कि किस स्पीड में ये शट डाउन हो रहा है। आप अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको इस तरह की वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिलते रहे। तो जैसा कि आप देख रहे, थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है क्योंकि इसमें हार्ड डिस्क है, रैम काफ़ी अच्छा है, बट हार्ड डिस्क की वजह से थोड़ा सा स्लोनेस से आपको लगे तो आप राइटर को हटा के वहाँ पे SSD लगा सकते हैं, बिकॉज़ राइटर का उतना आजकल यूज नहीं होता है।
या फिर हार्ड डिस्क को हटा के आप SSD लगा सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जैसा चाहे कर सकते हैं। बट स्कैम से बचे, बिकॉज वेंडर आपको कई बार गलत प्रोडक्ट डिलीवर कर देता है और फिर बाद में आप सपोर्ट उनसे नहीं ले पाते। तो किस वेंडर से, कहाँ से, कौन से लिंक से आपको लेना है, अगर आप जानना चाहते तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपको गाइड करूँगा या URL शेयर कर दूँगा, सो दैट आप लोग वहाँ से जाके इसको बाय कर सकें। और अगर आप रिफर्बिश लैपटॉप के स्कैम पे कोई एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट करें, मैं बना दूँगा। तो देख सकते हैं इसने लगभग 2 मिनट का टाइम लिया है रिबूट होके आने में वापस, 2 मिनट से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, जो कि हार्ड डिस्क की वजह से, मे बी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करें तो थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम ले। ओके सो वापस से मैंने शट डाउन किया इसे, ओनली शट डाउन का टाइमिंग आप देख ले, काफ़ी फास्ट है, बट रिबूट में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके इसको एक बार क्लोज करके देखते हैं, और अगर मैं दोनों हाथ बिना यूज़ के सिंगल हाथ से इसको उठाता हूँ तो लैपटॉप को आप इस तरह से उठा सकते हैं। नॉर्मली लैपटॉप अगर आप इस तरह से उठाएंगे तो पूरा लैपटॉप ऊपर आ जाता है, जो कि नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि नीचे का वेट काफ़ी ज़्यादा है और ऊपर कम है, इसलिए ये इजीली आप उठा पा रहे हैं। और एक बार और मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ सामने आपको, सामने आपको एक कार्ड के लिए एक स्लॉट मिलता है, और राइट साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एक USB पोर्ट, एक राइटर, एक लैन पोर्ट और एक पावर सॉकेट मिल जाता है जिस पे आप चार्जर लगा सकते हैं। बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे कोई पोर्ट नहीं है, यहाँ पे एक को एयर ग्रिल मिल जाता है, राइट साइड में भी एयर ग्रिल है, BGA पोर्ट है, HDMI है, दो एक HDMI, दो USB पोर्ट और एक 3.5 mm का जैक है। और बैक साइड की बात करें तो बैटरी और इस वाले पोर्शन पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क और रैम मिलता है इसके नीचे, और छोटा वाला जो ये पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे एक वाईफाई डिवाइस लगा हुआ रहता है। और इस पे अगर कोई डिटेल वीडियो आप चाहते हैं कि मैं इसको ओपन करके दिखाऊँ तो मुझे कॉमेंट कीजिए, मैं इसको ओपन करके दूसरा वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको इंटरनल सारे डिवाइसेस में दिखाऊँगा। और ये जो लैपटॉप है ना ही 360 है ना ही 180 है, ये आप इसको 160 बोल सकते हैं। और वेट की बात करें तो 2 kg प्लस है ये, और इसमें सेंसर जो है मुझे उतना फास्ट नहीं लगा, चूँकि ये लैपटॉप काफ़ी पुराना है, मे बी जब न्यू था तो अच्छा काम करता होगा, बट अभी नहीं कर रहा है। ये कॉन्फ़िगर करने के बाद में मैंने चेक किया, काफ़ी स्लो है, कभी करता है कभी नहीं करता है। और टचपैड मैंने अच्छे से चेक कर लिया, कीबोर्ड मैंने काफ़ी अच्छे से चेक किया, सारे कीज़ वगैरह काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। बट एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि वेंडर से किसी तरह का कोई सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, यही मान के चलिए आप। नॉर्मली वेंडर सपोर्ट नहीं करते एक बार बाय करने के बाद में, बट बाय करने के पहले आप देख ले कि रिटर्न पॉलिसी है या नहीं है, कितने दिन में रिटर्न का पॉलिसी है, अगर आप चाहे तो उसको टाइम से रिटर्न करें अगर कोई फॉल्ट मिलता है तो। और हो सके तो कैश ऑन डिलीवरी पे आप कीजिएगा इसको ऑर्डर। सो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर किसी को ये लैपटॉप लेना चाहता है तो उसके साथ शेयर करें, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।